भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है और नवरात्रि के पहले भी सूर्य ग्रहण है तथा नवरात्रि के बाद में भी शरद पूर्णिमा पर यानी 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण है। यह सूर्य ग्रहण हालांकि रात के समय लग रहा है और श्राद्ध कर्म दोपहर के समय में किया जाता है, इसलिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण आदि के ऊपर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर यह सूर्य ग्रहण रात को यानी 14 और 15 अक्टूबर की रात को 9:40 से आरंभ होकर के अगले दिन यानी 15 अक्टूबर की प्रातः 1:19 तक रहेगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा पश्चिमी ग्रीनलैंड आदि में दिखाई देगा और वहां पर इसका सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल माना जाएगा। सूर्य ग्रहण जब आरंभ होता है तो उसका सूतक 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। यानी ये जो सूर्य ग्रहण जहां पर दिखाई देगा वहां पर इस सूर्य ग्रहण का सूतक सुबह 9:40 से लग जाएगा, जो कि ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त तो हो जाएगा। यह ग्रहण भारत में किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में, किसी भी नगर में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में नहीं दिखाई देगा। इसलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल यम नियम भारत में मान्य नहीं होंगे, इसलिए आपको डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भारत में किसी भी प्रकार से गर्भवती माताओं बहनों को इस सूर्य ग्रहण से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जब भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका प्रभाव कहीं पर भी नहीं होगा। इसलिए आप बिल्कुल डरे नहीं, अपने नित्य की तरह पूजन पाठ आदि कर्म करते रहे, पितृ तर्पण करें और गर्भवती माताएं बहनें निश्चिंत होकर के अपना समस्त कार्य करते रहें। सभी पितरों का श्राद्ध, किसी कारणवश आप अपने मृतक परिजनों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर न कर पाए हैं तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि कर्म आपको करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष की अंतिम अमावस्या, अंतिम तिथि यह मानी गई है और इसका विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। इस तिथि पर पितरों का जो भी मनुष्य श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, उसको पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि अधिकतम परिवारों में कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। उसका एकमात्र कारण होता है पितृ दोष होना, क्योंकि पुत्र दोष के कारण घर में बच्चों की शिक्षा में, पढ़ाई में रुकावट आती है। पितृ दोष के कारण उनकी नौकरी नहीं मिल पाती है, नौकरी नहीं लग पाती है, व्यापार में, व्यवसाय में उन्नति प्रगति नहीं हो पाती है, नौकरी में आमदनी नहीं बढ़ पाती है और विवाह योग्य बच्चों का विवाह नहीं होता है, या फिर उनका विवाह हो गया है तो संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, कर्ज की स्थिति बहुत अधिक हो चुकी है और इसी तरह से अनेकों प्रकार की समस्याएं पितृ दोष के कारण ही निर्मित होती है। तो यदि आपके घर परिवार में इस प्रकार की कोई भी समस्या है या नहीं भी है तो आपको अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन सुबह पवित्र नदी में या फिर अपने घर में तीर्थ जल से स्नान करना चाहिए और ज्ञात अज्ञात पितरों का स्मरण करके उनको जल अर्पित करें। घर में विशेष प्रकार का भोजन तैयार करके पितरों के निमित्त उनके लिए भोजन निकाले, किसी ऐसे स्थान पर रखे जहां पर कोए पहुंच सके। भोजन का कुछ अंश सबसे पहले गाय, फिर कोवा, चींटियों के लिए निकाले। इसके बाद पितरों का श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से श्राद्ध करके उनको विदा करें, उन्हें स्मरण करके आशीर्वाद लेकर के प्रार्थना करें। इस दिन पितरों के निमित्त खीर अवश्य बनाना चाहिए और सिंदूर से नारियल पर एक स्वस्तिक बना करके हनुमान जी के मंदिर में इस दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। सनातन धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है
और उसमें भी सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या अपने आप में दुर्लभ और बड़ी अमावस्या है। इस दिन चूंकि पितृ अपने धाम को पितृलोक को पधारेंगे तो हम सभी का, चाहे हम धर्म में आस्था रखते हैं या नहीं रखते हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी पंथ के हैं, किसी भी धर्म के हैं, सभी को अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनका पिंडदान तर्पण या उनके निमित्त कुछ न हो सके तो कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य करा देवे। यदि आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा पाते हैं तो आप उनको आटा दाल चावल सीधा सामग्री का दान कर देवे। यदि भोजन की सामग्री भी दान नहीं कर पाते हैं तो इसके निमित्त ब्राह्मण देवता को नगद राशि भी आप प्रदान कर सकते हैं। यदि संभव हो तो 5 ब्राह्मणों को इस दिन भोजन करवाएं और यदि संभव हो तो 11 ब्राह्मण को भोजन करवाएं। और इससे भी अधिक ये कहा गया है कि 16 दिन के 16 श्राद्ध होते हैं तो प्रत्येक दिन के निमित्त एक एक ब्राह्मण अथवा 16 ब्राह्मण का भोजन आपको करवाना चाहिए। जैसे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से पितृ भोजन स्वीकार करते हैं। जब आप ब्राह्मण को भोजन करवाएंगे तो पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी। एक कथा आती है, उसमें बताया गया है कि एक समय प्रभु श्री राम अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध कर्म कर रहे थे, उनके निमित्त ब्राह्मणों को बुला करके भोजन करवा रहे थे। जब वो ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे थे उस समय माता सीता ने अपना पल्लू ढक लिया, यानी मुंह ढक लिया। तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से प्रश्न किया कि देवी, हम अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान करवा रहे हैं और ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं, ऐसे में तुमने अपना मुंह क्यों ढक लिया है? तो माता सीता ने कहा कि प्रभु, मैं इन ब्राह्मणों के अंदर अपने ससुर जी की छवि देख पा रही हूं और जब मेरे ससुर जी यहां पर इन ब्राह्मणों के रूप में आ चुके हैं तो मैं अपना मुंह ढक रही हूं। क्योंकि हमारे यहां परंपरा है कि जब भी कोई बुजुर्ग आते हैं तो घर की बहू अपना मुंह ढक लेती है, तो सीता माता ने अपना मुंह ढक लिया क्योंकि उन ब्राह्मणों के अंदर अपने ससुर जी राजा दशरथ की छवि उन्हें दिखाई दे रही थी। तो इस तरह कहा गया है कि जब आप ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, उनके माध्यम से श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि कर्म करवाते हैं तो वो सारी वस्तुएं और आपके द्वारा दिया गया श्राद्ध कर्म पितरों को प्राप्त होता है और उससे पितरों को तृप्ति मिलती है तथा वो पितृलोक की यात्रा पर प्रस्थान करते हैं। पितृपक्ष की जो अमावस्या होती है उसे सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन कुछ विशेष बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। चूंकि सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या है, हम अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे तो जिस दिन पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाता है उस दिन छोर कर्म नहीं करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए तथा पितृमोक्ष अमावस्या के दिन घर में कपड़े नहीं धोना चाहिए। क्योंकि पितरों का कर्म कर रहे हैं ऐसे में पितर न जाने वायु रूप में कहां पर आ जाए और उनको कपड़ों के माध्यम से चोट लग जाए, इस दिन कपड़े धोना भी वर्जित माना गया है। तथा सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के दिन झाड़ू यदि हम निकालते हैं तो सावधानी पूर्वक झाड़ू निकाले और संभव हो तो सूर्योदय के पहले ही अपने घर की साफ सफाई कर ले, झाड़ू निकाल ले वे। इस दिन रसोई घर में जो भोजन बनाए उसको झूठा न करें, क्योंकि सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाने के बाद ब्राह्मण देवता को भोजन करवाएं और पितरों को भोजन आपको करवाना है, इसलिए उस भोजन को झूठा न करें, बिल्कुल न चखे। इस दिन भोजन में आपको लहसुन प्याज मांस मदिरा अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। घर में पारिवारिक सदस्यों को आपस में लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद नहीं करना चाहिए। साथ ही सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन अपने जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वरिष्ठ जन होते हैं, माता पिता होते हैं, सास ससुर होते हैं, उनको त्रस्त नहीं करना चाहिए, यानी उनकी आत्मा को दुखाना नहीं चाहिए,
उनको किसी भी प्रकार से जो है कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, उनकी इस दिन अच्छी प्रकार से सेवा करें। वैसे तो मृतक पितरों का हम सभी श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, लेकिन जीवित माता पिता की सेवा करना, उनका ध्यान रखना भी सबसे बड़ा पितृ कर्म माना गया है। तो उनका ध्यान रखते हुए इस दिन आपको कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन शाम के समय जब सूर्यास्त हो, उस समय मुख्य द्वार के आसपास सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। यदि तेल नहीं है तो शुद्ध घी का दीपक भी आप जला सकते हैं। साथ ही सूर्यास्त के पहले अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ खड़े होकर के हाथ जोड़ करके पितरों को नमन करके उनसे प्रार्थना करें। जिस प्रकार हम अपने घर आए हुए अतिथि को, मेहमानों को हाथ जोड़ करके विदा करते हैं और उनसे कहते हैं कि हे पितृ देवता, हमारे द्वारा कोई भी गलती हो गई हो तो हमें क्षमा अवश्य कर देना, क्योंकि पितर तो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। लेकिन जब उनके निमित्त आप कुछ भी नहीं करेंगे तो वो आपको आशीर्वाद नहीं, श्राप देकर जाएंगे। इसलिए आप गलती से भी उनका श्राप न लेना, क्योंकि जो मनुष्य पितरों का श्राप लेता है उसके घर में, उसके परिवार में पितृदोष निर्मित हो जाता है और यह पितृदोष धीरे धीरे करते हुए भयंकर स्वरूप ले लेता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि पितृमोक्ष अमावस्या के दिन अपने परिजनों, पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन अवश्य करा देवे। तो यदि आप हमारे माध्यम से पितृ कर्म करवाना चाहते हैं, श्राद्ध कर्म करवाना चाहते हैं, तर्पण करवाना चाहते हैं, पिंडदान करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, तो आप अपने पूर्वजों का चित्र और उनका नाम तथा गोत्र हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे एवं इस हेतु नगद धन राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, दक्षिणा दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, या फिर कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, या पितृदोष शांति की पूजा करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे तथा नगद राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।